की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रियंका। गुजरात में कल दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई। इसके बाद आए 7 एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर न सिर्फ गुजरात बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार बनती दिख रही है। चुनाव नतीजे 18 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इस चुनाव की जीत हार को 2019 के लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर एग्जिट पोल जैसे ही दोनों राज्यों में नतीजे निकले तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह एक बड़ी कामयाबी होगी। 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी के विजय रथ को रोकना कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के औपचारिक ऐलान से पहले गुजरात में पार्टी की हार कांग्रेस और राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए बड़ी निराशा बन सकती। हालांकि ज्यादातर पोल्स में कांग्रेस के प्रदर्शन में मामूली ही सही, लेकिन सुधार की बात कही जा रही है। ऐसे में अगर पार्टी दोनों ही राज्यों में सत्ता में वापसी करने में नाकाम रही तो राहुल के नेतृत्व क्षमता और भविष्य पर सवाल उठने लाजमी है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने की आशंका है। विपक्ष की ओर से सरकार को शीतकालीन सत्र में देरी करने, जीएसटी, नोटबंदी, राफेल डील, किसानों से जुड़े मुद्दों सहित कई मामलों में घेरने की कोशिश की जा सकती है। गुजरात चुनाव के नतीजों का असर भी इस सत्र पर पड़ सकता है। सरकार 3 तलाक से जुड़ा कानून इसी सत्र में पास कराने की कोशिश कर सकती है। ये सत्र 5 जनवरी तक चलेगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के बीच फूट की खबरों के बाद अब ये बात सामने आ रही है कि छोटा शकील ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। मुंबई ब्रांच के एक अधिकारी ने एनबीटी को बताया है कि शकील को 3 महीने पहले पाकिस्तान में आखिरी बार देखा गया था। डी कंपनी में पड़ी फूट के बीच शकील का पाकिस्तान से गायब होना बड़ी खबर मानी जा रही है। अब भारतीय खुफिया एजेंसियां ये पता करने में जुटी हुई है कि शकील किस देश में रह रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि दाऊद से लड़ाई की वजह से ही शकील ने पाकिस्तान छोड़ा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार के 12 स्पेशल कोर्ट्स के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनके काम शुरू करने की डेडलाइन 1 मार्च 2018 तय की गई है। यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में 10 अदालतें सुनवाई करेंगी। ये अदालतें 1581 सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले सुनेंगी। उत्तर भारत में ठंड रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंचती जा रही है। पंजाब, हरियाणा और कश्मीर के कई हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। गुरुवार को कुछ जगहों पर तापमान 0 के आसपास रहा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई है। दिल्ली में ठंडी हवाएं चलने की वजह से मौसम सर्द रहा। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कोहरे की वजह से 25 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो वहीं 12 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद कम है। दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में 50% बेड अब दिल्ली निवासियों के लिए रिजर्व किए जा सकते हैं। फिलहाल इसकी शुरुआत सुपर स्पेशलिटी जीबी पंत अस्पताल से की गई है, जहां 714 बेड हैं। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का कहना है कि फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती 90% लोग बाहर से हैं। ऐसे में दिल्ली के मरीजों को यहां काफी परेशानी होती है। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो जल्द दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में ये नियम लागू हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।